मुझे बचपन की घटना याद आती है, सत्य घटना है मेरे जीवन की। और पहली बार शायद मैं आज उस बात को कह रहा हूं। एक समय था जब मुझे लिखने की आदत हुआ करती थी, लिखता था तब मेरे मन में था कभी मैं उस विषय पर लिखूंगा, लिख नहीं पाया। लेकिन आज मेरा मन करता है क्योंकि ऐसी पवित्र जगह है, जिस पवित्र जगह से मन के भीतर की सच्चाई का प्रकट होना बहुत स्वाभाविक है। मैं बालक था, मेरे गांव में मेरा घर एक ऐसी छोटी सी सांकड़ी गलियारी में है, तो वहां पर बिल्कुल पुराने जैसे जमाने के गांव रहते हैं, वैसा ही सटे हुए घर है। हमारे घर के ही नजदीक में सामने की तरफ एक परिवार था जो इमारत में कड़िया का काम करता था, मैशन्स का काम करता था, एक प्रकार से मजदूरी जैसा काम था। उस परिवार में संतान नहीं था, उनकी शादी के कई वर्ष हो गए लेकिन उनको संतान नहीं। परिवार में भी एक तनाव रहता था, उनके घर में संतान नहीं है, उनके बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। बहुत बड़ी उम्र में उनके यहां एक संतान का जन्म हुआ, तो संतान बड़ा हो रहा था। अब छोटी सांकड़ी गली थी, सुबह सुबह गाय को भी एक बड़ी डिसिप्लिन की आदत होती है, तो घरों के पास गुजरती है तो घर वाले भी बाहर निकलते रोटी खिलाते हैं। तो एक गाय थी जो हमारे उस मोहल्ले से आना, हर परिवार के लोग बाहर निकल के उसको रोटी खिलाते, जिनके घर में ये संतान जन्म होता वो भी खिलाते थे। एक बार अचानक कोई हड़कंप हो गई, शायद कुछ बच्चों ने पटाखे फोड़ दिए, क्या हुआ वो घटना मुझे पूरी याद नहीं रही, लेकिन वो गाय फड़बड़ा गया और दौड़ते दौड़ते स्थिति ये बनी, वो जो बच्चा उनका मुश्किल से 3-4-5 साल का हुआ था वो भी दौड़ने लग गया। उसको समझ नहीं आया कि इधर दौड़ू कि इधर दौड़ू, और जाने अनजाने में वो गाय के पैर के नीचे आ गया। इतने सालों के बाद परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ था और गाय के पैर के नीचे आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब कल्पना कर सकते हैं उस परिवार का माहौल क्या हो, बड़े दुख के दिन थे। लेकिन दूसरे दिन सुबह से ये दृश्य मैं भूल नहीं सकता, दूसरे दिन सुबह ही वो गाय उनके घर के सामने आके खड़ी हो गई। किसी भी घर के सामने जाके रोटी नहीं खाई, वो परिवार भी उसको रोटी खिलाता था नहीं खाई। गाय के आंसू कभी नहीं रुके, एक दिन दो दिन 5 दिन गाय ने खाना खा रही है, गाय न पानी पी रही है, परिवार को इकलौते संतान की मृत्यु का शोक था, पूरे मोहल्ले में एक दुख का वातावरण था, गांव में एक परिवार का वातावरण था।
जरूरी है। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, उसके आंख के आंसू सूख गए, सारे मोहल्ले के लोग, उस परिवार के लोग भी। लाख कोशिश करते रहे, लेकिन गाय ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और उस संतान, उस बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है। इसे पीड़ा के मात्र उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया। एक बालक के मृत्यु के पश्चाताप में गाय को बलिदान देता हुआ मैंने बचपन में देखा। वो दृश्य आज भी मेरे सामने जिंदा है और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है।